शुरू करते हैं। तो अब हम निकल चुके हैं अटल टनल से अपनी वापसी की ओर मनाली के लिए। सो फिर हमने सोचा कि अब क्या करें, तो सबसे पहले तो करेंगे हम, तो सो मेनी ऑप्शंस वी फाउंड लेजी रॉक, जो कि ओल्ड मनाली पे सिचुएटेड था, और हमें मिला बहुत ही प्यारा सेटिंग अरेंजमेंट, द व्यू एंड खाना वॉज ऑल्सो वेरी मच अमेजिंग। सो आप वहाँ पे जा सकते हैं। एंड नाउ हियर आई प्रेजेंट यू। अच्छे रेस्टोरेंट और अच्छे खाने को अलविदा करके हम निकल चले हैं सेकंड विलेज की ओर, जो कि मनाली से अप्रॉक्स 22 किलोमीटर है, जिसमें 15 किलोमीटर की चढ़ाई होगी, और इट्स जस्ट मेस्मराइजिंग गाइस। मतलब अगर आप मनाली जा रहे हैं तो यू कैन नॉट मिस टू प्लेसेस। अच्छा, वन इज अटल टनल और दूसरा है सेथम विलेज। सेथम विलेज अक्सर लोग मिस कर देते हैं बिकॉज ऑलमोस्ट अगर आप पीक में जाएंगे तो इट विल बी क्लोज्ड, और बहुत सारे लोगों को तो पता ही नहीं है कि एक ऐसा भी पैराडाइज है मनाली में जहाँ यू कैन स्टे एट नाइट। मतलब आप ये दिस इज नोन एज इग्लू विलेज, और आप यहाँ पे स्टे भी कर सकते हैं इग्लू के अंदर। इट्स नॉट लाइक कि बस इग्लू बना हुआ है, फुल्ली फैसिलिटेटेड। आगे जाके मैं जो इग्लू विलेज के मालिक होंगे उनसे मैं बात भी करूंगा कि कैसे अपन मतलब यहाँ पर रुक सकते हैं, बुकिंग वगैरह कैसे करना है। लास्ट टाइम ऑल दोस क्वेश्चंस, आगे वीडियो में आपको वो चीज़ भी पता चलेगी, बट करेंटली द व्यू एंड द एलिवेशन, आप एलिवेशन देख रहे होंगे कैमरे पे। मैंने मतलब कैमरे को मैंने अपनी कार के विंडशील्ड पे लगाया हुआ था, बट वो टिक ही नहीं रहा था बिकॉज ऑफ द सरफेस। इतना इतनी गड्ढे वाली रोड है ना, इतनी गड्ढे वाली रोड है। रास्ते में मेरे को एक सिटी, एक वरना एंड एक ब्रेजा मिली, जो कि सारी बंद हो चुकी थी बिकॉज ड्यू टू ओवर हीटिंग। सो यहाँ पे यही यही तो ट्रिक है गाड़ी चलाने की। मतलब जब आप पहाड़ में जाएं तो सेकेंड गियर, थर्ड गियर, उससे नीचे भी ना जाएं और उससे ऊपर भी ना। मध्य मध्य गाने सुनते, बातें करते हुए हम लोग ऊपर पहुंच गए। मतलब ऑलमोस्ट हम लोग ऊपर पहुंच गए। आपने अरे कहना क्या चाहते हो, कई बार रील्स में देखा होगा डोम वाले बहुत ही सुंदर सुंदर मनाली पे स्टेज है, राइट? सो वो भी इसी रोड पे पड़ते हैं। ऊपर जब आप आएंगे तो आपको इधर ही साइड पे वो भी पड़ते हैं। फ्रेंडली एडवाइस, अगर आपको ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है पहाड़ों का सो इस टेरेन पे मत आइएगा। मतलब मैं स्पेशली बता रहा हूँ कि सेथन साइड मत आइएगा। आपको आना है तो नीचे आपको जिप्सीज मिल जाएंगे, आप उसको रेंट करिए और चले आइएगा। अगर आपके साथ बहुत कोई एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है तो यहाँ मत आइएगा, बिकॉज अभी जो स्लैश देख रहे हैं ना आप, यू आर सीइंग जस्ट अ टाइम लैप्स और अ वीडियो, राइट? बट मैं चला रहा था, मुझे पता है कि कितनी स्पीड कर रही थी गाड़ी। यू जस्ट हैव टू बी कंफर्टेबल। ये मेरी धन्नू जो मुझे वहाँ तक पहुँचा। पहुँचने के बाद हम लोग सोचे कि अब चलो ऊपर चलते हैं, आप लोगों को इग्लू विलेज दिखाने लगे हैं तो इग्लू तो बनता है ना दिखना, राइट? सो इस तरीके से तो मतलब पाथवे बना हुआ है और सामने आप देख सकते हैं ग्लूज। इट वाज जस्ट अमेजिंग गाइस, बहुत ही ब्यूटीफुल जगह है। तो हम बात ये है नाम उस जगह का, मतलब मैं लास्ट टाइम कब आया था यहाँ पे, स्क्रीन पे आपको नाम दे दिया उस स्टे का। सो अगर आप में ठंड सहने की बहुत ज़्यादा क्षमता है कि आप रात को -10 -20 सह सके तो यहाँ पे आप स्टे कर सकते हैं। ये है ब्यूटिफुल इग्लूज। और चलिए अब मैं आपको इग्लू के अंदर का टूर कराता हूँ। सो दिस इज द गेट एंट्रेंस ऑफ द इग्लू, और ये देखिए कोजी से स्लीपिंग ब्लैंकेट्स रखे हुए हैं और फोम वाले मैट्रेस। दौड़ने के बाद हमें मिले वहाँ के ओनर और फिर हमने की उनसे बात। 4000 रुपीज़ का स्टे, उसमें आपका लंच भी रहेगा, डिनर भी रहेगा, ब्रेकफास्ट भी रहेगा, फुल पैकेज है। और अगर कॉन्टैक्ट करना हो तो कैसे करेंगे? ये इंस्टा में कर देना, इंस्टा पे इग्लू स्टे। हाँ जी, इग्लू स्टे सेथन इग्लू स्टे। अच्छा, स्टिकर जो लगा हुआ था। ओके, भैया से सारी डिटेल लेने के बाद हम सोचे कि अब थोड़ा और आगे गांव भी एक्सप्लोर किया जाए ना, इट्स अ होल विलेज। सो हम निकल गए पैदल पैदल बिकॉज बहुत सारी गाड़ियां खड़ी थी। यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा टूर आया हुआ था, ऑफ रोडिंग टूर, यहाँ पे टूर चलते हैं, वो आए हुए थे। सो पूरा ब्लॉक था। ये आप देख रहे हैं थार खड़ी हुई है, बहुत सारी डिफेंडर्स खड़ी थी, बहुत प्यारी प्यारी गाड़ियाँ खड़ी थी। मतलब आई वॉज लाइक कि कब मैं लूंगा 4x4 और मैं के साथ ज्वाइन करूँ। शाम को इस रोड पे अंधेरे के बाद ड्राइव करना है बहुत ज़्यादा टफ। तो बट हमें मिला बहुत ही सुंदर व्यू, गाड़ी रोकी और फटाक से व्यू को कैप्चर किया बिकॉज यहाँ पे बर्फ बहुत ही ज़्यादा था। और अभी आप देख रहे हैं कि मैं गाड़ी स्टार्ट जैसे ही किया और उसके बाद सब मेरे साइड पे व्यू। सो वॉज लाइक कि कहाँ कहाँ कैप्चर करूँ, क्या क्या कैप्चर करूँ आप लोगों को दिखाने के लिए और खुद के लिए भी। मतलब इट्स लाइक अ स्टोरी, राइट? मैं ड्राइव कर रहा हूँ एंड आई विल बी एबल टू शो यू और नॉट, वैसा वाला सीन नहीं होता है। सेकेंड गियर पर लगा के मैं अपनी गाड़ी को ऑलवेज, मतलब अभी हम लोग डिसेंट कर रहे हैं, राइट? सो स्लिपरी था और डीप भी था,
सो सेकंड गियर पे लगा के, बिकॉज नेक्सॉन में ESP और हिल कंट्रोल ऑलरेडी है, सो सेकंड गियर पे लगा के नेक्सॉन को छोड़ दो, अपने आप चलेगी मध्य मध्य प्यारी प्यारे तरीके से, और सेकंड गियर से ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते थे बिकॉज गड्ढे, आप गाड़ी का मतलब शेक तो आप देख ही रहे होंगे राइट, तो मैं हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ हूँ इसलिए कम शेक हो रहा है। फिर हम लोग ऑलमोस्ट थोड़ा सा नीचे आने के बाद इस व्यू के लिए तो मतलब मैं जान दे सकता हूँ, इतना सुंदर व्यू था ये, इट वॉज लाइक दैट, ये पूरा सामने आप मनाली देख रहे हैं। अब हम आ गए वापस और रात भी हो गई थी तो हमने कुछ देर आराम किया, पर मैं सोचा कि यार पानी बहुत ज़्यादा बरस रहा है, मतलब पानी, इट वॉज रेनिंग ऑलमोस्ट फ्रॉम लाइक 2 आवर्स, मैंने सोचा कि चलो कहीं घूम के आते हैं, मैंने सबको उठाया अपने अपने उनके उनके बिस्तरों से, मैंने बोला चलो यार घूम के आते हैं, रात हो रही है, गाड़ी है अपने पास, लेट्स गो समवेयर, मॉल रोड ही चलते हैं, 9 करीब बज रहे थे, तो गाड़ी उठाई मैंने, और आप रोड देख ही रहे हैं कितनी भीगी हुई, और ये जो एरिया है, जिस एरिया में हम लोग का गो स्टॉप्स था, इट वॉज लाइक बहुत ही ज़्यादा अपहिल था ये, बहुत ही ज़्यादा, मतलब तो अगर नॉर्मल गाड़ी अगर आप लेके आओगे तो भैया गई है। और फिर हमें वो मिला जिसका हम कभी इंतज़ार करते थे, क्योंकि मैं 4-5 बार बहुत सुंदर सुंदर जगह जा चुका हूँ, मुझे कभी स्नोफॉल नहीं मिला राइट, बट हम यही बिलीव कर रहे थे कि भाई स्नोफॉल हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, स्नोफॉल हो जाए, इसीलिए हम चले जा रहे थे टूवर्ड्स सोलांग वैली रात को ही। और ये जो एरिया है ये है लेह मनाली हाईवे, इसमें हम रात को ऐसे हल्का हल्का बट्टे बुट्टे थर्ड गियर में गाड़ी को टॉक के उस पर छोड़ के और चला रहे थे, तभी हमें नोटिस हुआ गाइस स्नोफॉल, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू, एक ही दिन में अटल टनल, सेथन और फिर स्नोफॉल, इट वॉज लाइक की वाह यार वाह, मतलब जिंदगी हो तो ऐसी, वरना जिंदा तो फिर आपको तो पता ही, वो देखो उधर जो गाड़ियां खड़ी है, माय गॉड बारिश हो गई पता है अपने भी ऊपर से हो चुकी होगी, मुझे लगा हमारा एक्साइटमेंट लेवल तो आप देख ही रहे हैं, ये देखो हम लोग पागल हो गए थे, मतलब हम लोग पांचों ने, हम लोग ने आज तक स्नोफॉल कभी एक्सपीरियंस नहीं की थी, एंड दिस काइंड ऑफ अ स्नोफॉल, मतलब वी वर जस्ट अमेज्ड, और अभी तो स्टार्ट हुई है, मतलब स्टार्टिंग ही हुई थी अभी स्नोफॉल की, और इतनी भारी होने लगी, तो और हम लोग उसके बाद भी थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे थे टूवर्ड सोलांग, और आगे पहुंचते साथ ही अरे सबको गाना डालना, हाय हाय इतना सुकून, दिन अटल टनल से शुरू होकर और स्नोफॉल पे खत्म, इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू गाइस, इतना अच्छा लग रहा था ना कि मैं क्या बताऊँ आपको, और अब मेरी गाड़ी लीजिए, इट वॉज लुकिंग जस्ट फैंटाबुलस, मतलब इसको मैं 2 बार इधर मनाली तक लेके आया हूँ, बट आज तक मुझे ऐसी स्नोफॉल नहीं मिली, और फिर हमने खिंचाई थोड़ी सेल्फी, ओवर हाइप बोल रहा था मैं मॉल रोड को, बट आफ्टर वॉचिंग दिस सीन इन मॉल रोड, मतलब मेरे को खुद प्यार हो गया मॉल रोड से, कि लोग क्यों इतना मरते थे उस चीज़ के लिए, लुक एट दिस, वॉज जस्ट मेसमराइजिंग गाइस, इतना सुंदर व्यू स्नोफॉल का मॉल रोड पे ना, आई कैन नॉट टेल यू, मतलब मैं खुद ही को नहीं, मैं समझ ही नहीं पा रहा था मैं करूँ क्या, गाड़ी से उतर जाऊँ, कहीं चला जाऊँ, कुछ कर लूँ, रिकॉर्ड कर लूँ, एंड देन आई थॉट कि थोड़ा सा रिकॉर्ड करना तो बनता है, और ये रहा आपके लिए मॉल रोड एंड स्नोफॉल। फिर हम वापस अपने हॉस्टल की ओर आए, तो हॉस्टल की ओर तो भाई साहब ओल्ड मनाली इज ऑन मतलब हिल टॉप राइट, सो वहाँ और ज़्यादा बर्फ, और ये हमारे हॉस्टल का व्यू था, ये हमारे बगल में एप्पल के प्लांटिंग से देखिए पूरा एप्पल के पेड़ है ये, और अभी ये जर्मिनेट होंगे अभी ऑलमोस्ट अगस्त में। गो स्टॉप्स पैर कितने सही बने चादर अलग ही बिछी हुई है, बर्फ की चादर बिछा दी गई, वो पूरा गार्डन में बिछ गई है, ओ वाओ, अब वीडियो कॉल करने मजा आएगा घर में, फूलों की चादर बिछ गई ना के बाद अब नींद बहुत ज्यादा जरूरी थी, तो इट्स एंड ऑफ द डे गाइस, सी यू, होप यू लाइक द व्लॉग गाइस, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड फॉलो ऑन इंस्टाग्राम।